ना आपके पास घर वालों के लिए टाइम होना चाहिए ना सोने के लिए टाइम होना चाहिए ना दोस्तों के लिए टाइम होना चाहिए ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टाइम होना चाहिए हे hey गाइस स्वागत है आप सभी का, का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा सो गाइस आई नो की ऑलमोस्ट आई बी पी अब दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है मतलब मोटा मोटा सात दिन अब हमारे पास बच्चे हैं आई बी के प्रम्स एग्जामिनेशन के लिए मतलब अब ये सात दिन डिसाइड करेंगे कि हमारी आगे की लाइफ कैसे निकलेगी भाई ये सात दिन डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रिलिम्स निकलेगा या हम फेल होने वाले हैं ये सात दिन डिसाइड करेंगे कि हमारे पास सरकारी नौकरी होगी या हम अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे और अब ये सात दिन ही डिसाइड करेंगे कि हमारे घर वालों के हमारे ऊपर वो एक्चुअली में प्राउड फील होगा या नहीं होगा मतलब ये मोटा मोटा देखा जाए तो ये सात दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इस पूरे टाइम का हर एक मिनट हर एक सेकेंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इस तरीके से इस हर सेकेंड हर मिनट को प्लान करना पड़ेगा कि हर टाइम हमारी प्रिपरेशन चालू रहे और वो हर छोटे से छोटे एलिमेंट में हमारे सिलेक्शन के चांसेस लगातार बढ़ते रहे फाइन अब गाइज आई नो की मैक्सिमम बच्चे आप में से लास्ट वीक एस बी आई के एग्जामिनेशन देके भी आए होंगे अब गाइज उसमें ना दो कैटेगरीज निकल के आएंगे पहले वो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन अच्छा गया था भाई सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे वो बच्चे मतलब जितना सोच के गए थे उतना अच्छा एग्जामिनेशन उनका चला गया अब गाइज आप लोगों का खुश होना बनता भी है बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट और इसी वजह से आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे एंड आई एम वेरी वेरी श्योर की इस बार आप लोग आई बी का भी प्रेलियम फोड़ के पक्का आने वाले हो बट गाइज प्रॉब्लम है दूसरी कैटेगरी वाले बच्चों की मतलब जिन बच्चों का एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया जितना वो सोच के गए थे अब कई बहुत सारे अलग अलग रीजन है जिस का बिगड़ गया। जितना मैंने इस बार सुना कि काफी जगहों पे इंटरफेस का प्रॉब्लम आया काफी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज आए कई अलग अलग सेंटर्स पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे इन्विजिलेटर्स का प्रॉब्लम था या कई जगहों पे बच्चों के आईडीज की वजह से बच्चों को एंटर नहीं करने दिया गया मतलब ये वो रीजन है जिस वजह से कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो डिजर्व करते थे एस बी आई पी ओ का प्रार करना उनका पार नहीं हो पाया अब गैस देखो मैं जैसा हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ आई बी ना एक बहुत अच्छा खेल, खेल खेलता है एक गेम खेलता है हमारे माइंड के साथ आपने हमेशा देखा होगा कि आई ना लगातार एग्जामिनेशन करवाता है मतलब चाहे प्री हो या मीन पर लगातार करवाता है हफ्ते दर हफ्ते ऐसा क्यों होता है बिकॉज आई हमेशा यही कोशिश करता है कि वो एग्जामिनेशन चालू होने से पहले भी कुछ बच्चों को बाहर निकाल दे और वो बच्चे कौन होंगे वो वो बच्चे होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते मतलब वो बच्चे जो इस बार एस बी आई पी ओ खराब होने की वजह से अगला पूरा हफ्ता डिप्रेशन में निकालेंगे पूरा हफ्ता डीमोटिवेटेड फील होकर निकालेंगे फ्रस्ट्रेशन में निकालेंगे स्ट्रेस में निकालेंगे इसकी वजह से ना वो पढ़ पाएंगे ना पढ़ाई पर फोकस हो पाएगा ना मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे मॉक टेस्ट में स्कोर लगातार कम होता रहेगा और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस और ज्यादा टूटने लग जाएगा और फिर होगा क्या मोटा मोटा पढ़ाई होगी नहीं घर वालों पर गुस्सा निकालेंगे दोस्तों से दूर रहेंगे किसी से बात नहीं करेंगे कमरे में बंद रहेंगे

फाइन आखिरी के सात दिन बचे हैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का और गईज आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इसको 1.5 की स्पीड पर जरूर देखिए बिकॉज आखिरी के सात दिन बचे हैं और हमें हर एक मिनट हर एक सेकंड को बचाना है तो 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हो फाइन गईज मैं टोटल पांच पॉइंट्स आप लोगों के लिए आज लिख के लाया हूं जैसे मैं हर बार नोट्स बना के लाता हूं आप लोगों के लिए आज टोटल पांच पॉइंट्स हैं ये पांच पॉइंट्स आपको रिलीजियसली फॉलो करने हैं मतलब अपनी आंखें अपने कान और अपने दिमाग खोल के हर एक पांच में से पांच पॉइंट को सुनना है और इस मूवमेंट से लेके एग्जामिनेशन होने तक के उस सेकेंड तक इन पांचों के पांच पॉइंट को आपको अपने दिल से फॉलो करना है फाइन सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूं वो है रिविजन अब गाइज आई डोंट नो कि कितने लोगों ने आपको रिविजन की अभी तक इंपॉर्टेंस बताई होगी बट गाइज अपने पूरे एक्सपीरियंस के बाद और इतने सारे एग्जामिनेशन निकालने के बाद बस आपको यही बता सकता हूं कि आप कितनी भी क्लासेस ले लो भाई आप दसों क्लास ले लो हजारों पेड कोर्सेज बाय कर लो भाई सैकड़ों पेड पीडीएफ बाय कर लो कितना भी कुछ भी कर लो बट अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप ये मान के चलो आप खुद अपने सिलेक्शन के चांसेस को कम करते जा रहे हो अब रिवीजन में क्या करोगे जो मैं आपको लगातार बोलता हूँ जितने भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन मिला तो उसका स्क्रीन ले लो अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो तो हर चीज जो भी आपको लगता है रिविजन के लायक है उसका स्क्रीन लेते रहो फाइन और अगर ऑफलाइन पढ़ाई करते हो तो उन चीजों को मार्क करो और उनके नोट्स बनाते रहो और एक डायरी में पर्टिकुलर एक जगह पे आपके सारे नोट्स कलेक्टेड रहने चाहिए फाइन अगर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हो तो स्क्रीनशॉट लो और एक फोल्डर में रखो और अगर ऑफलाइन करते हो तो नोट्स बनाते रहो आखिरी के सात दिन बचे हैं आपका पूरा सिलेक्शन होने के चांसेस इस पर निर्भर करते हैं कि आपका रिविजन की क्वालिटी क्या रहती है अगर आपके रिविजन की क्वालिटी प्रॉपर रहेगी मतलब अप टू द मार्क रहेगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैं खुद लिख के दे सकता हूँ कि बहुत ज्यादा रहेंगे तो अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन करी है जो भी प्रॉब्लम्स आई जो भी कंफ्यूजन हुए जो भी लगातार सिली मिस्टेक्स करी आपने मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट में में या प्रिपरेशन कई बार ऐसा होता है कि हम लगाते हैं कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो लगातार हम मॉक मॉक बाय हर बार रिपीट करते रहते हैं तो उसको आपको रिवाइज करना है कि भाई एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपकी सिली मिस्टेक रिपीट ना हो या कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी या कोई एक नया मेथड मिला हमें क्वेश्चन सोल्व करने का फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आज आप एक डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो

दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो है नो न्यू टॉपिक्स ना अब आखिरी के सात दिन बचे हैं कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है भाई जो होना था जितना होना था जैसा होना था हो चुका है अब गई आई नो कि आखिरी के सात दिन या आखिरी के जैसे सब टाइम नजदीक आता रहता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक भी कर लें वो वाला टॉपिक भी कर लें भाई इंग्लिश में, में मेरा वर्ड सबसे ट्यूशन रह गया है भाई ये जल्दी से कर लेता हूँ या क्वांट का मेरा ये वाला टॉपिक रह गया या ये वाला सेक्शन रह गया ये कर लेता हूँ या ये नए पैटर्न का मुझे रीजनिंग में एक पजल मिला था ये कर लेता हूँ आखिरी के दिनों में आप मुझसे लिखवा के ले लो अगर इन चीजों के पीछे भागोगे ना अपना सिलेक्शन खत्म कर लोगे जीरो चांसेस पे ले आओगे अपने सिलेक्शन को तो इस टाइम में आपको क्या करना है एक भी नया टॉपिक नहीं उठाना है जितना पढ़ना था जितनी पढ़ाई करनी थी जितनी प्रैक्टिस करनी थी नए टॉपिक्स उठाने थे सब हो चुका है

तीसरे एडवाइस की बात करता हूं तो वो है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन भाई आखिरी का टाइम है कितने भी पेड कोर्सेज बाय कर लो कितने भी नए नए टीचर से पढ़ लो बट अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये मान के चलो सिलेक्शन आपका होना ही नहीं है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये आपको भी पता होना चाहिए आपका सिलेक्शन ना कोई टीचर करा सकता है ना कोई पेड बैच करा सकता है ना कोई पेड कोर्स करा सकता है आपका सिलेक्शन बस एकमात्र चीज करा सकती है वो है आपकी सेल्फ स्टडी तो अगर इन आखिरी के सात दिनों में किसी नए टीचर की तरफ लग जाओगे कोई टीचर अगर आपको ऐसा बोलता है कि मेरा है नया बैच आ रहा है कोई क्रैश कोर्स आ रहा है कोई नया क्लास आ रहा है इन सारी चीजों को देख लो सिलेक्शन हो जाएगा तो सीधा सीधा मान लेना वो सारे टीचर वो मेंटर आपको धोखा दे रहे हैं बिकॉज ये आखिरी के सात दिन हर इंसान की बस आपको देने के लिए बस एक ही एडवाइस सबसे बड़ी होनी चाहिए वो है सेल्फ स्टडी मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करो इस टाइम में कुछ और मत करो ना दिन देखो ना रात देखो ना सुबह देखो ना शाम देखो ना आपके पास घर वालों के लिए टाइम होना चाहिए ना सोने के लिए टाइम होना चाहिए ना दोस्तों के लिए टाइम होना चाहिए ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टाइम होना चाहिए आखिरी के सात दिन बचे हैं ये सात दिन आपका फ्यूचर आपका भविष्य डिसाइड करेंगे तो इन सात दिनों में बस और बस पढ़ाई करनी है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और वो प्रैक्टिस होगी आपकी मैक्सिमम आपकी सेल्फ स्टडी से तो कोशिश करो कोई भी आपने अगर पीडीएफ अभी तक डाउनलोड कर रखी है तो उसकी मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार आप बार बार मॉक टेस्ट में गलतियां करते हो तो उन क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो जैसे मैंने कई बार देखा कि कुछ बच्चे अगर इंग्लिश में पर्टिकुलरली बात करूं तो एरर डिटेक्शन में बहुत सारी गलतियां करते हैं तो आखिरी के सात दिन बचे हैं कोशिश ये करो कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करो और उसमें मैक्सिमम एरर लगाने की कोशिश लगा तो 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 इस लेवल पे हो सके कि आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होने लग जाए और रात को जिस टाइम आप सो एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और मजा आ गया और अगर इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है ना तो मैं इसके लिए गुनागार नहीं रहूंगा या मेरी कोई गिल्टी, वो ना, गिल्टी मेरे नहीं आएगा प्रैक्टिस और मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे थी ये इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है ना तो आप भगवान के हाथ में सब कुछ है या ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है Because मैं तो अपना सब कुछ दे चुका था इस एग्जामिनेशन को उस लेवल की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन फोड़ के ही आना है मेक योर पेरेंट्स प्राउड दिस टाइम

अब ये दोनों मॉक टेस्ट एक एक घंटे के रहेंगे इसके साथ आप कोशिश करो कि एटलीस्ट एक से डेढ़ घंटा आप इसके एनालिसिस में भी दे सको मतलब एक घंटे का मॉक और उसके बाद एक से डेढ़ घंटा प्रॉपर एनालिसिस एनालिसिस मतलब इतना करना है कि उसके बाद अगर उसका एक भी क्वेश्चन रिपीट होता है ना आपके फाइनल एग्जामिनेशन में तो आप उसको देखते ही एक सेकंड में उसका आंसर मार्क सको उस लेवल पे आपकी एनालिसिस होनी चाहिए उस एक मॉक टेस्ट को लेके तो एक से डेढ़ घंटा आपको लग जाएगा उस एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने में अगर दो मॉक टेस्ट दोगे तो अराउंड अराउंड पांच साढ़े पांच घंटे लग जाएंगे आपको दो मॉक टेस्ट देने में बट एटलीस्ट एक, एक देना और दो आइडियल केसेज है अगर टाइम बचता है तो दो भी दे सकते हैं ठीक है इसी के साथ मॉक टेस्ट जैसे जैसे देते रहोगे कुछ ना कुछ गलतियां डेली बेसिस पे होंगी जितनी गलतियां हो उतना खुश होना डीमोटिवेटेड इस टाइम पे फील मत करना खुश होना उल्टा कि भाई आपको एग्जामिनेशन से पहले आपकी गलतियां पता चल रही हैं सोचो कितने कम लोग होंगे वो जिनको अपना नेक्स्ट स्टेप लेने से अपना अगला कदम उठाने से पहले उनको पता होगा कि उनकी गलतियां क्या हैं आपको आज वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अगर टेस्ट में होती है, तो खुश हो जाना गलतियां होने के चांसेस कम हो गए बिकॉज आज तो मुझसे मॉक टेस्ट में ही गलती हो गई और मैं इसका इतना अच्छे से एनालिसिस करूंगा और इतने अच्छे से रिविजन करूंगा कि ये एक भी गलती और रिपीट कर रहा हूं एक भी गलती फाइनल एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं होगी फाइन इस डिटर्मिनेशन के साथ अपना मॉक टेस्ट देना है कि इसके एनालिसिस और रिवीजन के बाद एक भी गलती आपके एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं होनी चाहिए जो मैं हर बार बोलता हूं कि 10 नई गलतियां हो जाए तो चलेगा बट एक पुरानी गलती अगर आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होती है ना तो वो हर एक माइनस मार्किंग जो आप रिवाइज कर सकते थे अपनी गलती दूर कर सकते थे पर आपने नहीं करी वो आपके सिलेक्शन के चांसेस को ना मेनी फोल्ड कम कर देती है फाइन तो ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट मॉक टेस्ट और मेरा फिफ्थ पॉइंट है और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शनल टेस्ट सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसके बाद ना आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो गाइस मॉक टेस्ट में क्या होता है हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऊपर टाइमर चल रहा है एक घंटा खत्म होने वाला है मैंने तो अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे मेरा अच्छा स्कोर आ ही नहीं रहा और इस वजह से हम बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं बट ये सारी चीजें आप सेक्शनल टेस्ट देखकर खत्म कर सकते हैं बीस मिनट का टेस्ट होगा अपना सब कुछ उसमें दे दो कोशिश करो मैक्सिमम स्कोर स्कोर करने की फाइन और मेजरली अगर मैं आपको एडवाइस कर सकूं तो सेक्शनल टेस्ट आपको क्वांट के तो देने ही चाहिए बिकॉज मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में उनको टाइम कम नहीं पड़ता मैक्सिमम बच्चों को रीजनिंग में भी टाइम कम नहीं पड़ता बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वांट में टाइम कम पड़ जाता है तो आप क्वांट कैसे करोगे सबसे पहले इजी टॉपिक उठाओ अब वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सिमेशन इसके बाद करो डेटा इंटरप्रिटेशन और कोशिश अपनी तरफ से ये करो कि डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद कुछ मिनिमम आपके पास टाइम बचा होना चाहिए जिसमें आप अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस तो जरूर अटेम्प्ट कर ही सको बिकॉज गाइज अब जितना मैंने देखा है उतने में ये समझ आ रहा है कि अब एग्जामिनर का अब एग्जामिनर ना आजकल आपका अरिथमेटिक का पार्ट थोड़ा इजी रख रहे हैं तो सीक्वेंस तो अभी भी यही रखना है भाई सबसे पहले इजी क्वेश्चन उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन बट कोशिश ये करो कि कुछ टाइम बचा सको जिसमें आप अरिथमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको फाइन और ये चीज करने में आपकी सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं सो गाइज ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी एडवाइस है जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था अब गाइज आई एम श्योर कि आप लोगों ने अच्छे से इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन करा होगा या अपने दिमाग में तो अच्छे से रखा होगा और इन सारे पॉइंट्स को आप रिलीजियसली फॉलो जरूर करोगे अगर इस टाइम पे भी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालना और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर उस डिमोटिवेटेड बच्चे से जरूर बात कर सकूं पर्सनली गाइज कोशिश करूंगा कि आप कैसे भी आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं चाहे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में ही क्यों नहीं बट अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जरूरत नहीं है डीमोटिवेटेड फील करने की बिकॉज इस बार हमें आई को हराना है और खुद जीतना है बट अगर स्टिल डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो मुझसे जरूर कनेक्ट करिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकूं फाइन गाइड सी यून द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ माइने में चिराग चोपड़ा अगर आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी के साथ हमारे बाकी के कॉन्टेंट को भी जरूर देखिए बिकॉज तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उस सारे के सारे कॉन्टेंट से फाइन गाइड सी इन द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ इज़ चिराग चोपड़ा टेक केयर एंड की प्रिपेयर।